आज हल्द्वानी महानगर में हिंदूवादी संगठनों ने एक विशाल जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान सभी संगठनों ने भारत माता की जय, श्री रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, नुपुर शर्मा जिंदाबाद के नारों का उद्घोष किया और भारी संख्या में हिंदूवादी संगठन आज सुबह से ही श्री राम या मैदान में एकत्रित हुए, जिसके पश्चात एक जुलूस की शक्ल में जिला अधिकारी आवास पहुंचे। वहां पर पहुंचकर एक जनसभा की गई और नुपुर शर्मा के समर्थन में नारे भी लगाए गए। वहीं भाजपा नेता मोहन पाठक से सवाल किए जाने पर विपक्ष के द्वारा आज वर्तमान सरकार पर जाति धर्म की राजनीति की जा रही है, उनके द्वारा कहा गया कि आज कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, हम अपने हिंदूवादी सोच रखने वाली बहन नुपुर शर्मा के साथ हैं। वहीं उनके द्वारा यहां भी कहा गया कि आज देश में खुलेआम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण हिंदू मुस्लिम भाईचारा खंडित हो रहा है, देश की जनता किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। वही हिंदूवादी संगठनों ने वर्तमान सरकार से नुपुर शर्मा के ऊपर आरोप लगाए हैं और मुकदमे को वापस लेने की मांग। इंशाअल्लाह के नारे इस देश में लगते हैं और हमने कहा उस ऐसी विचारधारा को जो ये कहता है अब तक हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तुम कितने अफसर मारोगे, हर घर से अफसर निकलेगा, हम उनको बता देना चाहते हैं जिस घर से अफसर निकलेगा हम उस घर में घुसकर मारेंगे, देंगे जिस घर से अफसर निकलेगा। इस सोच को लेकर हम यहाँ खड़े हैं, उस जिहादी मानसिकता को खत्म करने का समय हमारा। आप डीएफ कार्यालय कब पहुंचे? देश में जो वातावरण चल रहा है आतंक का वातावरण, हम लोग उसका विरोध करते हैं और इस खुलेआम कहना चाहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। नूपुर शर्मा जी के समर्थन में हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। वहीं बात की जाए, आज विपक्ष सीधे आरोप लगा रहा है वर्तमान सरकार पे कि वर्तमान सरकार देश में जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। ये विपक्ष का और राजनीति का विषय है, हम लोग सामाजिक संगठन है, हम अपनी बात कहते हैं। आपका नाम? मैं पीयूष चतुर्वेदी, संयोजक राष्ट्र रक्षा समिति। जो ज्ञापन दिया जा रहा है किस मामले में दिया जा रहा है? ये ज्ञापन आज नूपुर शर्मा के समर्थन में और जो कन्हैया का जो हत्याकांड हुआ उसको लेकर जो आक्रोशित आज पूरा देश में, आज जो हिंदू समाज के साथ जो गलत तरीके से जो व्यवहार हो रहा है और सरेआम जो अब ये हमारे बीच में हो जा रहा है, तो उसके विरोध में ये ज्ञापन आज डीएम साहब को दिया गया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि आज देश में जाति और धर्म की राजनीति की जा रही है, क्या देश कैसे आगे बढ़ेगा? अरे पक्ष विपक्ष सब खत्म करो, आज हिंदू जाति, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति संकट में है। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि हमारे पर इतना अत्याचार हो रहा है। आप बगल में ही देखिए, आज़ादी के समय जब दो दो बंटवारे हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ 21% हिंदुस्तानी हिंदू व्यक्ति होने के बाद उनका आज कहीं नामो निशान नहीं है। और आज हिंदुस्तान जहाँ पर कोई भी धर्म का आदमी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो किसी देश में इतना संतुष्ट नहीं है, इतना सिक्योर नहीं है जितना कि आज हिंदुस्तान में है। आज 75 साल में किसी मुसलमान से पूछो कि उसको कभी परेशानी हुई? आज इस हल्द्वानी भाई मैं अपने मुसलमान साथियों से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी उन्हें कोई परेशानी हुई? क्या वो हमारे साथ पड़ा, उन्हें कोई परेशानी हुई? क्या उनका कभी हमने ख्याल नहीं रखा? मगर आज जब हिंदू समाज के साथ यह होता है तो वो मुसलमान व्यक्ति, वो हमारे साथ पढ़ने वाले भाई, वो हमारे साथ खड़े क्यों नहीं है? आज लेकिन ये आरोप विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है। आरोप और प्रत्यारोप नहीं, जो सत्य है, जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं। अब सच्चाई है, बहुत ज्यादा जुल्म हो गए हैं। हम बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात इस हल्द्वानी की कर रहे हैं। आप हल्द्वानी में ही देखो, जितने लोग आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ पर तमाम मुसलमान भाई हमारे साथ रहते थे, आज वो कहीं नहीं है। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बताइए कहाँ कहाँ से आके आज मुसलमान यहाँ रह रहा है, आज वो यहाँ जिद कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि सत्य सत्य सत्य, जय हिंद। किस बात को लेकर आप पहुँचे? नुपुर शर्मा जी जो हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उनके समर्थन में हमारे सब लोगों के यहाँ पर, हिंदू लोगों को लेकर के सब लोग यहाँ पहुँचे थे कि हम उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने जो टिप्पणी करी, जब हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी हुई, उसके पश्चात उन्होंने उस धर्म की सच्चाई के बारे में कुछ बात रखी, लेकिन उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करा जा रहा है और एक वर्ग समुदाय के लोग
उसको और उसके जो उनके जो बड़े नेता हैं वो उसको गलत तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। हम 100% सब लोग नूपुर शर्मा जी के बयान के साथ हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं कि नूपुर शर्मा जी के खिलाफ जो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और जो इस प्रकार के अनगलत बयान कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, ना कि नूपुर शर्मा जी के। तरुण बंसल।